गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं और आप सबने मदर्स डे जो है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा अपने मम्मा के साथ, मम्मा को तंग नहीं किया होगा, प्लस अपना होमवर्क जो है वो फिनिश किया होगा। तो आज बेटा हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4, दैट इज फ्रैक्शंस। ये चैप्टर आपने फिफ्थ में भी किया था, ठीक है। सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या होता है फ्रैक्शन? अ फ्रैक्शन इज अ नंबर विच रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ अ होल एंड द होल शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। अ फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होती है वो एक नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ऑफ अ होल। होल मतलब सारा, ठीक है जी, WHOLE वाला होल, सारा, पूरे के कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो होल शुड बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, और जो हमने पूरी चीज होगी उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बॉक्स लिया, उसके 6 पार्ट्स कर दिए, जिसमें से 5 शेडेड कर दिए और एक नॉन शेडेड कर दिया। तो अगर मैं शेडेड पार्ट की फ्रैक्शन देखूं तो वो क्या आ जाएगी? नंबर ऑफ शेडेड पोर्शंस आर 5 एंड टोटल 6। सो आपकी जो फ्रैक्शन है वो बन गई 5/6। ऐसे ही आप नॉन शेडेड को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 1/6, और दोनों का सम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 1 के। दैट इज, हमने जो है अपनी फ्रैक्शन इक्वल पार्ट में डिवाइड की। सो आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर है। आगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत टाइप के हैं बेटा। देखो, सबसे पहले है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन की क्या आइडेंटिफिकेशन है? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर। जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो फ्रैक्शंस लाइक होती हैं। दैट इज, जैसे 2/8, 7/8, 6/8। अब इनके सबके डिनोमिनेटर 8 है, सो ये सारी कौन सी फ्रैक्शन है? लाइक फ्रैक्शन। सेकेंड वन, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन कौन सी है? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, जैसे 6/7, 5/8, 3/4। सो इनके सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। बेटा, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर क्या होता है? अपर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज न्यूमिनेटर, लोअर पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिनोमिनेटर, ठीक है। सो लाइक और अनलाइक में हमने डिनोमिनेटर चेक करना है। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? अ फ्रैक्शन विच इज लेस देन अ होल, जो होल से कम होगी, मतलब पूरे पार्ट से कम होगी, और हैज स्मॉलर न्यूमिनेटर, और जिसका न्यूमिनेटर जो होगा वो छोटा होगा देन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से छोटा होगा जिसका न्यूमिनेटर, और जो होल से लेस होगी, ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, 1/4। अब 1 और 4 में से 1 न्यूमिनेटर है, 4 डिनोमिनेटर है, और 1 4 से छोटा भी है, सो ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है? अ फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, ठीक है, जो या तो इक्वल होगी 1 के या 1 से ग्रेटर होगी, और हैज न्यूमिनेटर equals to or greater than the denominator, और जिसका numerator या तो denominator के same होगा या denominator से बड़ा होगा, ठीक है, इस केस में numerator बड़ा होगा denominator से या denominator के equal होगा, ऐसी fraction होगी improper fraction। example, 4/4, so ये दोनों के numerator denominator same है दोनों का। 5/4, इसमें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, सो ये भी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स नेम से क्लियर हो रहा है, ठीक है, अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर, जो फ्रैक्शन एक होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन की कॉम्बिनेशन से बनती है। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन जिसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होगा, वो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, 1/4, 1/2/4, 1/3/4, और ऐसे आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन की ले सकते हो।
हाँ जी, आगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, नेम से क्लियर है, इक्विवेलेंट मतलब इक्वालिटी देखनी है. सो टू फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट इफ द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूमिरेटर ऑफ फर्स्ट एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड न्यूमिनेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन. दो फ्रैक्शन में, देखो एग्जाम्पल में समझाती हूँ, दो फ्रैक्शन की जैसे 1/3 और 2/6, इन दोनों की फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर दैट इज 1, उसकी प्रोडक्ट विद डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड दैट इज 6 विल बी इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट इंटू न्यूमिनेटर ऑफ सेकेंड. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, 1 और 6 6, 2 एंड 3 6, 6 इक्वल्स टू 6, तो 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट. मतलब एक फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर और दूसरे का डिनोमिनेटर, दोनों की प्रोडक्ट जो है अगर इक्वल आती है तो वो दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट होती हैं. सो ये आपका जो था फोर्थ चैप्टर की इंट्रोडक्शन थी. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.